विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया है। मुद्दा था नोतोड़ जमीन को लेकर। हमारे साथ जगत नेगी हैं, जिन्होंने कि ये मामला उठाया था विधानसभा के सदन में। नेगी जी, क्या ये पूरा मामला है जिसको लेकर आज सदन से विपक्ष ने वॉकआउट किया है? हिमाचल प्रदेश में सन 1971 में एक डॉक्टर परमार जी ने जो है नियम बनाया था, जिसके तहत पात्र व्यक्तियों को 20 बीघे तक सरकारी भूमि प्रदान करना था, और उसके बाद जो है लगातार जो भी कांग्रेस की सरकारें आई तो पात्र व्यक्तियों को हजारों की तादाद में सरकारी भूमि दिया गया। वर्ष 1998 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो उस समय भी हजारों के जनजातीय क्षेत्रों में, अन्य इलाकों में नोतोड़ बंद हो गया था, परंतु जनजातीय क्षेत्रों में नोतोड़ का नियम जो है लागू था। तो उस समय जो है ये नोतोड़ के जो केसेस थे पेंड हो गए, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का बहाना लगाकर कोई भी नोतोड़ स्वीकृत नहीं हुआ। 2016 में फिर दोबारा से री नोटिफाई किया गया, उसमें जो एक शर्तें जो रखी गई थी उन शर्तों को हटाया गया, और उसके बाद जो है नोतोड़ मिलना संभव हुआ। तो उस बीच में जो है हमारी जब सरकार थी, 500 के करीब लोगों को सरकारी भूमि पर नोतोड़ के जो पट्टे हैं वो दिए गए। अब कितने लोग हैं ऐसे जो प्रभावित हैं और जिनको ये नोतोड़ जमीन उनको मिलनी है और मिल नहीं पा रही है? जिला किन्नौर, लाहौल स्पीति, पांगी, बरमोर को मिलाकर करीब 20,000 से ज्यादा केस लंबित पड़े हैं। 20,000 के केस जो है बीजेपी की सरकार के 11 महीने में एक भी केस को इन्होंने जो है स्वीकृति नहीं दी, और उल्टा जो हमने यहाँ पर चर्चा के लिए, हाँ आज आपने चर्चा मांगी थी, क्या कहा गया है स्पीकर की तरफ से? मैंने इससे पहले जो है नियम 63 के तहत एक चर्चा मांगी थी, जिसमें स्पीकर साहब से मैं कल भी मिला था, तो स्पीकर साहब ने बताया कि गवर्नमेंट कह रही है कि ये मैटर जो है सब जूडिस है, जबकि ये बिल्कुल सरासर गलत है। सब जूडिस केवल सरकारी मुलाजमों से संबंधित नोतोड़ का मामला है, अन्य पात्र व्यक्तियों के लिए कोई भी मैटर सब जूडिस नहीं है। क्या लगता है आपका कि विपक्ष जो है जब मांग कर रहा है तो सत्ता पक्ष और जो अध्यक्ष हैं क्यों नहीं इस पर चर्चा दे रहे हैं? मैंने आज दोबारा जो है नियम 67 के तहत एडजॉइनमेंट मोशन का जो है नोटिस दिया, उस पर भी मुझे आज बोलने नहीं दिया गया है। तो मेरे ये लगता है कि जयराम सरकार जो है जनजाति विरोधी है, जनजातियों को नोतोड़ नहीं देना चाहती है, जबकि सारा रास्ता हमने खोल रखा है। अभी नोतोड़ का जो नियम जो बना है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है अभी 16 तारीख को उसकी अवधि समाप्त होने वाली है, उसके बाद तो एक भी नोतोड़ केस जो है मिलना संभव नहीं होगा। तो एक घोर अन्याय जो है जनजाति क्षेत्र के लोगों के साथ हो रहा है। तो घोर अन्याय जो है जनजातीय क्षेत्र के लोगों के साथ हो रहा है, ये कहना है जगत नेगी का, जिन्होंने नोतोड़ को लेकर नियम 67 के तहत आज चर्चा मांगी थी, लेकिन ये चर्चा हो नहीं पाई है। धर्मशाला से अपने सहयोगी कमल ठाकुर के साथ पराक्रम, समाचार फर्स्ट।